मान लो कि कोई शख्स है जिसको कोई चीज मालूम नहीं है, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हुँ? तो इसमें पूछने में भी लोग शर्माते हैं, हाँ पूछने में लोग शर्माते क्यों शर्माते हैं? कि अगर आप पूछोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया। तो ये शर्म अच्छी है बुरी है? अच्छी है। मतलब नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। यानी शर्माएंगे तो नहीं पूछेंगे इसमें? पूछेंगे। तो हम देखते हैं कि स्कॉलर्स ने इसे एक एक्सेप्शन के तौर पे बताया कि दीनी इल्म सीखने के अंदर अगर नहीं समझ में आए ना तो यहाँ पे शर्म करके नहीं पूछ रहा है, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। नेक कामों के अंदर शर्म नहीं करना चाहिए। हाँ नेक कामों में, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शर्मा रहा है कि मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, मैं कैसे पढ़ूँ, हाँ तो नेक कामों में शर्माएंगे नहीं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे हया का ख्याल नहीं रखते, मतलब शर्म का ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो देखा जाता है कि उनकी अम्मी उन्हें बोलती रहती है आप कपड़े पहन लो, ऐसे मत करो, उन्हें सिखाना पड़ता है। तो मैं अपने सारे छोटे छोटे बच्चे जो कलर्स ऑफ इस्लाम देख रहे हैं जो अब तक नहीं सीखे हैं तो उन्हें सिखाना चाहता हूँ अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, आप सबको इस शर्म का ख्याल रखना चाहिए। तो अम्मी बोले या ना बोले, हाँ अम्मी बोले या ना बोले ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जो गलत काम कर रहा है और आप उसे जाकर सोचते हो कि मैं उसको बोलूँ मत करो ऐसा गलत है ये, लेकिन आप शर्मा रहे हो कि मैं नहीं बोलूँ उसे, तो ये शर्म अच्छी है बुरी बात है? गलत है, गलत बात है, बुरी बात है। तो दीनी इल्म सीखना है, दीनी इल्म सीखना है, उसके अंदर शर्माना नहीं है। कोई नेक काम करना है, नमाज पढ़ना है, सदका देना है, कोई गरीब आदमी पैसे मांग रहा है और आपको दिख रहा है ये जरूरतमंद है और आपके पास पैसे है लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है, तो आप शर्मा रहे हो कि कोई नहीं दे रहा है मैं कैसे दूं, हाँ गलत। तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, बुरी बात। क्या करना चाहिए उसे, देना है तो दो, अच्छी नेक काम में पीछे मत रहो, नेक काम में जल्दी करो, हाँ। तो ये सब आप समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभार किसी शख्स के अंदर ऐसी शर्म की वजह से लोग पूछते नहीं है और इस वजह से समझते नहीं है, हाँ। यहां पर भी अगर देखें तो हमारी शर्म जो अल्लाह के सामने है वो ज्यादा बड़ी है, हमारी शर्म जो अल्लाह के सामने है वो ज्यादा बड़ी है और उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं नेक काम नहीं करूंगा तो मुझे शर्म आ रही है अल्लाह से, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो लोगों से शर्माना और अल्लाह से शर्माना तो ये चीज ज्यादा बड़ी है, यानी कि ये भी हया का हिस्सा है हकीकत में, लेकिन लोग समझते रहोगे, हाँ मतलब आप समझ रहे कि ये भी क्या है, हया का हिस्सा है कि अगर मैं, मुझे नहीं समझ में आया और मैं अगर नहीं पूछूंगा तो मैं तो जाहिल रह जाऊंगा। जाहिल रहना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। अगर इल्म ना रहे कोई जाहिल रह जाए तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए उसमें, तो पूछना चाहिए। और अगर हम जाहिल रह गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना। तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तो मेरे बच्चों ये बात का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह कि हमारी हया अल्लाह के सामने ये सबसे बड़ी चीज है और ये सबसे हाई दर्जा है और सबसे अहम दर्जा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हया का मतलब समझने की तौफीक दे, उसे हया को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक दे। हम अल्लाह के सामने कयामत के दिन कैसे खड़े होंगे उस मंजर को सोच करके अल्लाह से हमें शर्म करने की तौफीक दे, अपने खुद के नफ्स से, अपने खुद की जान से शर्म करने की तौफीक दे और लोगों में भी हया जो सही हया है उसे हमें अपने अंदर रखने की तौफीक दे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।